देखिए दिव्यानी जी, अगर आपको किसी चीज की कोई जरूरत हो या कमी महसूस हो रही हो तो नहीं, प्लीज आप ऐसा मत सोचिए। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। वो मैं इसलिए कह रही थी कि बाऊजी नहीं है ना यहाँ, तो उनके हमेशा के मरीज फोन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ही काम शुरू कर देती हूँ फिर से। वैसे मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन अच्छा होता अगर आपको एक बार भाभी माँ से भी बात कर लेती। हाँ, वो मैंने सोचा था आपसे एक बार पूछ लूंगी, फिर भाभी माँ से पूछने ही वाली थी मैं। वैसे भी मैं यहाँ से नहीं काम करूंगी, बाऊजी के घर से करूंगी। क्यों? वो लोग आते रहेंगे यहाँ तो सबको परेशानी होगी, फिर दद्दा जी दिन में आराम भी करते हैं, नक्श की पढ़ाई भी है और भी काफी चीजें। तो आपके लिए बड़े बाजार में हमारे पास एक दुकान है, उसे खुलवा देते हैं ठीक ठाक करवा के। नहीं थैंक यू, उसकी कोई जरूरत ही नहीं, बाऊजी का घर तो खाली पड़ा है ना, फिर वहाँ सारी चीजें भी है जो दवाइयाँ बनाने के काम आएगी, लोगों को भी वो जगह पता है ना, तो इसलिए। ठीक है, जो भी आपको उचित लगता है। तो फिर मैं कल से ही वहां जाना शुरू कर दूं, दिन के कुछ ही घंटे। क्यों नहीं? सुनिए, आप घर की चिंता मत कीजिए, मेरी तरफ से किसी को कोई शिकायत नहीं होगी, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाऊंगी। मैं ये जानता हूँ देवयानी जी, जब भी कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलकर कुछ करने की कोशिश करता है तो उस कोशिश के दरमियान कई चीजें ऐसी हो जाती है जिसके लिए वो खुद दोषी नहीं होता, लेकिन उन हालात में भी मैं आपका साथ दूंगा। थैंक यू। हाँ नीरज, मेरी अभी की मीटिंग ना दोपहर के लिए पोस्टपोन कर लो, अभी मैं बिजी हूं। नक्श आप फ्री हो तो चलो फिर मेरी हेल्प कर दो ना, मुझे ना बहुत सारे चेक्स बनाने हैं। आप इन चेक्स पे नाम लिख दो, मैं बाद में साइन कर दूंगा। मैं? हाँ आप, ये लो चेकबुक और ये लिस्ट है, एक एक नाम देख के अच्छे से लिख दो आप। ओके, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना। थोड़ी देर के लिए काम बंद, पहले नाश्ता। क्या नैतिक, आप मेरे बेटे से ना खाली पेट काम करवा रही हैं, अच्छी बात नहीं है। वाओ, ये तो बहुत यम्मी लग रहा है मम्मा। यम्मी लग नहीं रहा है बेटा, यम्मी है, आप खाओ तो सही। कल ना आप जब स्कूल जाओगे ना तो यही दूंगी मैं आपको टिफिन। I'm so happy to see you. दिल खुश हो गया इतने सारे बच्चों को एक साथ देख के। The boy is ready? Yes, sir. Good. तो एक काम करते हैं, एक मैच हो जाए। मैच? हाँ, प्लेयर्स और नॉन प्लेयर्स के बीच में। Yes. फ्रेंडली मैच खेलेंगे, ठीक है? तो टीम डिवाइड कर लेते हैं। सारे टीम वाले इस तरफ और स्कूल यूनिफॉर्म वाले इस तरफ। Come on. That's it? और कोई है? No sir, सब आ गए। इस एज ग्रुप के सारे बच्चे आए हैं क्या? हाँ सर, वो सारे बच्चे जो आज स्कूल आए हैं यहीं पर हैं। वो मतलब कुछ एक नहीं भी आए हैं, absent है? हाँ सर, कुछ बच्चे नहीं आए आज। भाभी माँ मैं चलूं? हाँ, मुझे राजमन्ना ने बताया, जाओ। लेकिन भाभी माँ आप चिंता मत कीजिए, पहले जैसा कुछ नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी। मॉम मैं भी चलूं? नहीं मुस्कान, तुम घर पे ही रहो। अक्षरा, ये दवाई बनाई है मैंने, नक्श को दे देना। चलती हूँ भाभी माँ। खुश रहो, सफल हो। बाय। दीदी मैंने एक बात सोची है, धूप कम होते ही ना हम किसी बहाने से बाहर चलते हैं, ऐसे तो नक्श वीडियो गेम के सामने से हिलेगा ही नहीं। मैं भी यही सोच रही थी कि ऐसा क्या करूं, अभी पढ़ने बैठा थोड़ी देर और उसके बाद फिर से गेम खेलने लग गया। अब वीडियो गेम बंद और असली फन शुरू। अरे ये क्या, दो दिन में रैकेट्स के वायर टूट गए। हाँ तो हमने थोड़ी तोड़े हैं, तुम लोग ही ज्यादा खेलते हो, हम लोग तो कभी कभार हाथ लगाते। हाँ वैसे भी तो ये पुराने हो गए हैं,
अरे पर टूट गए थे तो हमें बता देते, ऑफिस से आते हुए हम नए ले आते। पापा, चलो हम लोग इससे खेलते हैं। बेटा आपको पता है क्या, ये मच्छर मारने के रैकेट है। हाँ, तो वैसे ही फिर इसे क्यों नहीं खेल सकते। हाँ ये बात भी सही, इनके साथ भी खेल सकते। हाँ ये तो अच्छा है, मजे का मजा हो जाएगा और काम का काम। अभी ऐसे आप लोग हमेशा अपनी मर्जी क्यों करते हो? मुझे नहीं खेलना था, फिर भी आप मुझे जबरदस्ती क्यों लाएं? बहुत मजा आएगा टुकू, हम लोग झूला झूलेंगे, छुपन छुपाई खेलेंगे। आप लोग क्या बेबीज हो जो ये सब गेम्स खेलोगे? बेबी आप हो और हम भी आपके साथ बेबी बन जाएंगे। चलो अब जल्दी से टर्न दो, दीदी और मैं जाके छुपते हैं। हाँ, आइस क्लोज करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रेडी रेडी। मना किया है ना खेलने से, फिर क्यों खेल रहे हो? देखो क्या हालत कर दी अपनी। आप रे कैसे हाँप रहे हो? आओ उधर बैठ, आ जाओ। अरे नक्श, आपके शूज कितने गंदे हो गए। चलो वहां नल के नीचे धो के आते। हाँ जाओ, मुंह भी धुला लेना। एक्सक्यूज मी, आप उस बच्चे की माँ है शायद? जी मुझे ये पूछना था कि आप उसको खेलने के लिए मना क्यों कर रही हैं? आपको पता नहीं शायद बहुत अच्छा खेलता है। थैंक्स, पर उससे आपका क्या मतलब? आपका लड़का जिस स्कूल में जाता है मैं वहाँ का नया फुटबॉल कोच हूँ, रोहान, रोहान राजपूत। इंटरस्टेट चैंपियनशिप के लिए स्कूल की टीम खड़ी कर रहा हूँ। आपके लड़के को खेलते हुए देख चुका हूँ वैसे स्कूल में, पर स्कूल में तो वो जी स्कूल में 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ मैम आपके लड़के को। मुझे लगा था फुटबॉल टीम में होगा, ऑटोमेटिक चॉइस है, लेकिन वहाँ पे मिला नहीं। इनफैक्ट स्कूल में भी अकेले खेल रहा था एक कोने। नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी माँ को उसका फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है शायद। डरता होगा बेचारा कि कहीं अगर पता चल गया आपको कि वो फुटबॉल खेल रहा है तो जितना खेल पा रहा है बेचारा वो भी ना खेल पाए। मतलब आप सब लोगों को अपने बच्चों को स्कॉलर बनाना है, राइट? हाँ, खेलने कूदने में क्या रखा है? आपको ये लगता है कि ऐसा ही है? ये नंबरों की रैट रेस में आपने अपने बच्चों की खुशी का तो बिल्कुल कत्ल कर दिया। कमिंग। तरस आ रहा है मुझे आपके बच्चे के ऊपर, सीरियसली। जी नैतिक, कैसी रही आपकी कोशिश अक्षरा? नक्श को कैसा लग रहा है पार्क में? मुझसे क्या पूछ रहे हैं, उसी से पूछ लीजिएगा जब वो मिलेगा। मुझे तो परवाह ही नहीं है ना उसकी। क्या हो गया आपको अक्षरा? किसने कहा आपसे ये सब? सॉरी नैतिक, वो डुगू के स्कूल के कोच ने बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, बिना कुछ पता हुए इतना बड़ा भाषण दे के चले गए। कहते हैं कि हम पेरेंट्स को बच्चों की परवाह ही नहीं है, बस खेल कूद में हमारा ध्यान ही नहीं है, हम बस पढ़ाना चाहते हैं, स्कॉलर बनाना चाहते हैं बच्चों को, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन ऐसे किसी की लाइफ में कोई कैसे दखलंदाजी दे सकता है अक्षर? मैं कल बात करूंगी उनसे जाके स्कूल में। आप बिल्कुल सही कह रही हैं अक्षर, बात तो उनसे करनी ही पड़ेगी। अच्छा क्या मैं पूछ सकता हूँ कि नक्श कैसा है, उसका मूड ठीक है? हम छुपन छुपाई खेल रहे थे। देखो मम्मा, आपके बेटे ने जूते धो लिए हैं। वेरी गुड मेरा प्यारा बेटा।
अब क्या करेंगे? झूला झूलेंगे, है ना नक्श? नैतिक मैं फोन रखती हूँ। हाँ नहीं नहीं अक्षा, आप प्लीज फोन मत रखिएगा, मैं वहाँ आ नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ रह तो सकता हूँ ना? जी भाभी माँ, सॉरी भाभी माँ, मैं जानती हूँ पहले दिन देर हो गई। वो क्या हुआ ना, वो जो लड़का आने वाला था गांव से चाबी लेकर, उसको देर हो गई, फिर मैं साफ सफाई में लग गई, वो घर बंद था ना इसलिए। अब थोड़ी देर दिव्यानी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, जाने से पहले बहू सब कुछ करके गई थी, मैं तो बस ये बचे कुचे काम कर रही हूँ, नहीं तो भागी भागी आएगी और फिर से काम में लग जाएगी। नहीं लगेगी, अब मैं आ गई हूँ ना भाभी माँ। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, है ना? एक औरत ही औरत के दिल को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? और फिर अक्षरा को तो हम सब जानते ही हैं, वो कोई शिकायत नहीं करेगी, चुपचाप सब कुछ संभाल लेगी, पर हमें तो पता है ना। नहीं, महाराज के लिए बहू के मायके वालों से भी बोला है मैंने, वो लोग भी ढूंढ रहे हैं, उम्मीद करते हैं जल्दी कोई मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो भी आप चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। चलो अब ये सब बंद करो, थोड़ी देर पढ़ाई कर लो और होमवर्क भी कर लो अपना। जब स्कूल जाना होगा तब होमवर्क करूंगा। कल आप स्कूल जा रहे हो बेटा? नहीं कल नहीं, मेरा मन नहीं है। बेटा हर वक्त हम आपकी मन की नहीं सुन सकते है ना, कभी कभी आपको भी बड़ों की सुननी चाहिए, ऐसे रोज रोज स्कूल मिस करना अच्छी बात नहीं है। आप कल स्कूल जा रहे हो? नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। टुगु फिर से वो सब लेकर मत बैठो, आप बार बार एक ही बात कहते हो, मुझे पता है आपकी तबीयत कितनी ठीक है और कितनी नहीं, आप कल स्कूल जा रहे हो बस। हाँ क्या है, मुझे वहाँ पर कुछ भी हो जाए, मैं बेहोश भी हो जाऊँ, पर किसी को मेरी फिकर ही नहीं है, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। ये सब बातें करके आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो ना, और पढ़ लिख लो ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कल स्कूल जा रहे हो? मॉम कैसा रहा आपका आज का दिन? बहुत अच्छा रहा, पुराने जानकार मिले सारे, और इतने दिनों बाद मैंने बाबूजी के घर में इतना समय बिताया। आप मुझे भी सिखाइए ना अपना काम, मैं आपकी मदद करूंगी। आप कैसे मैनेज करेंगी ना ये सब, घर भी और काम भी? वहाँ का तो मैं संभाल लूंगी, पर अगर हो सके तो यहाँ मेरी कमी पूरी कर देना, अक्षरा की मदद करना, नक्श के साथ वक्त बिताना। डोंट वरी मॉम, वो सब तो मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जानती हो मुस्कान, इस घर में मुझे जो भी इज्जत मिली है, प्यार मान सम्मान मुझे जो भी मिला है, सब अक्षरा की वजह से है। यहाँ तक कि तुम्हारा मेरा रिश्ता भी उसी की वजह से बन सका है, उसके लिए मैं जितना भी करूँ ना बस कम ही है। डोंट वरी, मैं उनका पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। थैंक यू। हेलो 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 हेलो, शाम से यही हो रहा है, पता नहीं कौन बार बार फोन कर रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, परेशान हो गई हूँ मैं तो। चारू की माँ, ये जो आपने अपने फोन पर तस्वीर लगा के रखी है ना अपनी पुराने वाली, उसे ही देखकर लोग बार बार आपको फोन करके परेशान कर रहे हैं। लाइए हमें नंबर दीजिए, हम बात करके देखते हैं कौन है। चिप नंबर, एक मिनट, ये यहाँ से है। हेलो जी, कौन है आप जो इस तरह बार बार फोन करके हमारी पत्नी को परेशान कर रहे हैं? क्या मतलब है ये, किसी महिला की आवाज सुनी नहीं की लगे फोन करके परेशान करने? देखिए आइंदा अगर ऐसा किया ना तो अच्छा। मैं रतन, रतन, रतन बोल रहा हूँ, रतन। रतन, रतन, अरे माफ करना, देखो हमें पता नहीं था बिल्कुल भी कि हाँ हाँ अच्छा,
हम बात कराते हैं अभी। रतन का फोन है, कह रहा है कि शाम से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन बात ही नहीं हो पा रही, नंबर बदल गया उसका। दीजिए बात कीजिए। बस यार ये बात कीजिए। हेलो। हाँ रतन, वो हुआ ये कि दीदी आपका फोन बज रहा है, अलार्म है। इस समय किस काम का अलार्म? उस काम का जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। टुकू को इंजेक्शन का टाइम हो गया है, भूल ना जाऊं इसलिए सुबह शाम दोनों टाइम का अलार्म लगा के रखती हूँ। अक्षरा प्लीज इस तरह उदास मत हो, तुम जो कुछ कर रही हो अपने बच्चे के लिए कर रही हो, पर इस बात का बुरा क्या मानना, देखो अच्छे मन से करो, फिर तुम्हें भी आदत हो जाएगी और धीरे धीरे नक्श को भी, और तब तक दुक्कू को मुझसे इतनी नफरत हो जाएगी कि कहने की कोई बात ही नहीं। आपको पता है कैसी नजरों से देखता है वो मुझे। तो क्या टीका लगाना छोड़ दे? नहीं ना, तू हिम्मत बनाए रख दो। नक्श आपसे नफरत नहीं करता, वो तो अपना गुस्सा किसी और को दिखा नहीं सकता ना। बेटा मैं बात करूंगी लल्ला से, पर तू ऐसे मत कर। नहीं भाभी माँ, नहीं होगा। मम्मा लो इंजेक्शन लगा दो मुझे प्लीज मम्मा, अब लगाना तो है। नहीं डुकू, मुझसे नहीं होगा। नहीं आप मम्मा, मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको परेशान भी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। इंजेक्शन, लेकिन आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू। यहाँ से केक मारेंगे तो कहाँ जाएंगी वो? यहाँ जाएगी और फिर ऐसे। कुछ ऐसा नहीं हो सकता नैतिक, जिससे डुकू की तबीयत भी संभली रहे और उसकी सेहत भी ठीक रहे और उसका मन भी बहल जाए। पता नहीं अक्षरा, कुछ कह नहीं सकता। क्या सोच रहे नैतिक? यही सोच रहा हूँ अक्षरा कि कल सुबह नक्श के स्कूल जाकर ना उसके कोच से बात करूं। ऐसा कैसे कह सकते हैं? जाने दीजिए नैतिक। ऐसे कैसे जाने दो अक्षरा? आज हमसे कहा है, कल को अगर उन्होंने नक्श को कुछ कह दिया उसे तो ये लगेगा ना कि हम नहीं चाहते कि वो खेले। वो तो वैसे भी यही सोचता है, अब क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। राधे कृष्ण मम्मी। राधे कृष्ण बुआ। राधे कृष्ण। जाओ बेटा बेल बज गए। प्रिंसिपल से मिल लेते हैं। गुड। हेलो। अरे बड़ी जल्दी आ गए आप मेरी कंप्लेंट करने के लिए। साथ में चलते हैं या फिर प्रिंसिपल को बुलाने का इंतजार करना है? ओके काम करते हैं, आप जाइए मैं यहीं पे रुकता हूँ। क्या है वो पियोन को बुलाने के लिए ग्राउंड पे आना पड़ेगा, ग्राउंड बहुत दूर है यहाँ पे। वैसे आपको ग्राउंड के बारे में तो पता होगा नहीं, उससे तो आपका कोई सरोकार नहीं है। आपको सिर्फ अपने बच्चे का क्लासरूम पता होगा, लाइब्रेरी पता होगी, जहाँ बैठा बैठा के आप अपने बच्चे को स्कॉलर बनाना चाहती है ना। खेलना कितना वेस्ट ऑफ टाइम है ना, बर्बाद करता है समय, और बच्चा भी पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। अपने बच्चे को खराब कौन बनाना चाहता है? सब नवाब ही बनाना चाहते हैं, नवाब बनाएंगे उसको। बहुत ज्ञान है ना आपके पास बांटने के लिए। क्या लगता है आपको जिंदगी की लड़ाई भी फुटबॉल मैच की तरह है? दो घंटे में फैसला आर या पार? बरसों लग जाते हैं एक इंसान को एक सपना देखने में और उसे पूरा करने में, और कभी कभी तो वो पूरा भी नहीं हो पाता, और आप जैसे लोग आ जाते हैं जले पर नमक छिड़कने के लिए।
शौक मेरे बच्चे को भी उतना ही है जितना आपको रहा होगा जब आप उसकी उम्र के थे। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा है, क्योंकि उसकी प्रेरणा खुद आप हैं, उसके फेवरेट फुटबॉल प्लेयर। कभी आपको खेलते हुए नहीं देखा है उसने, सिर्फ आपकी वो क्लिपिंग देखी है आपके उस मैच की जिसने आपको आप बनाया, फेमस प्लेयर, फुटबॉल स्टार रोहन राजपूत। उसके कोच ने उसको वो क्लिपिंग दिखाई थी इंटरनेट पे, तब से ही उसने तय कर लिया कि मैं बड़े होकर रोहन सर जैसा प्लेयर बनूंगा। पर हमारी मजबूरी है, हम उसे खेलने नहीं दे सकते। वही मैं जानना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि उसका शौक उसकी जिंदगी से बड़ा नहीं है। डॉक्टर ने उसे थकान वाले काम करने से मना किया है क्योंकि क्योंकि उसे उसे डायबिटीज है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।